वेलकम बैक टू माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज के इस ड्रामा में, वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी, कुंडली बागर ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि इसके इस एपिसोड में आप लोगों को बताया जाएगा करण ने प्रीता की जान बचाने के लिए खुद को लिया रिस्की। तो उसने भागकर जल्दी से जो गोली प्रीता को लगनी थी वो उसने अपने दिल पे खा ली, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है और सब लोग उसे हॉस्पिटल ले आए हैं। तो फ्रेंड्स, जो काव्या है वो बहुत ज़्यादा रोए जा रही है और उसके साथ साथ घर वाले भी बहुत ज़्यादा रोए जा रहे हैं कि ये क्या हो गया, करण जल्द से सही हो जाए। तो अब उसका ऑपरेशन चल रहा है, जबकि खून जो है वो अभी तक नहीं मिल रहा, क्योंकि ब्लड जो है वो उस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं। लेकिन काव्या का ब्लड ग्रुप वो कहती है कि मैं दे दूंगी, तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा ब्लड ग्रुप उसके साथ मैच नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामे में अब आप लोगों को बताया जाएगा कि राजवीर ही होगा जो उसे देगा ब्लड, क्योंकि वो तो इस ड्रामे में ट्विस्ट लाना चाहता होता है और इस ट्विस्ट में वो फिर इसको एक ब्लड ग्रुप देगा। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों ने देखना है कि जो निधि है वो चाहती है कि किसी ना किसी तरह से सब प्रीता के ख़िलाफ़ हो जाए। तो वो कहती है कि करीना जी, आपको एक बात पता है कि करण को गोली लग चुकी है। तो वो कहती है, वो कैसे? तो कहती है कि ये सब प्रीता की वजह से हुआ, क्योंकि अगर वहाँ प्रीता ना होती तो ऐसा कुछ भी ना होता, लेकिन करण ने प्रीता की जान बचाने के लिए ये सब किया है। और आप ये भी तो जानती है कि जब जब प्रीता करण के नज़दीक या पास होती है, तब तब करण को किसी ना किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप ये देखने के लिए तैयार रहिएगा क्या करीना जो है वो निधि की बातों में आकर प्रीता पर शॉर्ट आउट हो जाएगी, या फिर वो समझ जाएगी कि निधि की ही कोई चाल है जो कि करण को भुगतनी पड़ी। तो फ्रेंड्स, नए नए एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।